वेलकम फ्रेंड टू अवर प्रोग्राम सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, सफलता का जश्न, जहां पर हम सक्सेसफुल पीपल, सेलिब्रिटी पीपल हु हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे हम बातें करके कुछ सीखते भी हैं और अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं। आज हमारे साथ जो मैडम है उनके साथ आप न तो सीखेंगे तो सही, सीखने के साथ साथ मोटिवेट भी होंगे और आपको लाइफ कैसे जीने का उसका एक अच्छा रोल मॉडल भी मिल जाएगा। तो शर्मिला जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैडम। शर्मिला जी, हम आपकी लाइफ जर्नी और आप क्या काम कर रही है उस पर थोड़ी बात करेंगे और फिर उसके आगे सवाल जवाब करेंगे। मेरे जीवन का सफर जो है, मैं ओरिजिनली राजस्थानी हूँ, एक राजस्थानी परिवार से हूँ, जैन परिवार से। पोइनार एक बहुत छोटा सा गांव है अलीबाग के पास, कोंकण में। कोंकण की मिट्टी से हूँ, राजस्थान की मिट्टी, कोंकण की मिट्टी, तो महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों जन्म कर्म भूमि दोनों है मेरी। और यह देश मेरे रग रग में, देश का खून, देश का लहू, देश की मिट्टी मेरे रग रग में बह रही है। तो बेसिकली जर्नी जो है वो 1995 से आगे इंग्लैंड में मेरा स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर में, फिर हार्वर्ड से मैं वाटर एग्रीकल्चर डिप्लोमेट बनी। तो बेसिकली वाटर एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ काम करना, पिछले 20 साल से भी ज्यादा मैं फार्मर्स के साथ काम कर रही हूँ। तो फूड सिक्योरिटी हमेशा एक अहम मुद्दा रहा है इस देश का। तो मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि मैं आज इस देश की प्राउड डॉटर ऑफ सॉइल हूँ, मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया हूँ, एंड सारे प्यार से, और एक मुझे मिलेट मॉम करके बुलाते हैं। आवाज नहीं आ रही है जय जी? बहुत अच्छा मैडम, और हम मैजिकल मिलेट के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। मिलेट यह शब्द जो है ये काफी लोगों के लिए नया है या पता नहीं, जबकि ये नया नहीं है। स्पेशली मेरे बॉम्बे के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहता था कि ये मिलेट क्या है। तो मिलेट यह वर्ड में भी एक सोफिस्टिकेटेड लग सकता है डाइट के लैंग्वेज में, लाइफस्टाइल के लैंग्वेज में, पर आपको मैं बता दूं, ज्वार बाजरा यह आपके रोज के जीवन का एक स्टेपल डाइट है, वो मिलेट है, ग्लूटेन फ्री है, फुल ऑफ फाइबर्स है, हेल्दी है। तो जैसे ज्वार बाजरा रागी नाचनी, ये तीन ही मिलेट से हम वाकिफ है, पर हम भारत देश के जो लोग हैं, हम भारतीय जो है, हमारे देश में अभी 200 से भी कई प्रजातियां हैं मिलेट की। उसमें से 9 जो है वो अभी प्रचलित है इंग्लिश में, जिन्हें फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, बार्नियार्ड मिलेट, इनफैक्ट महाराष्ट्र में और कई स्टेट्स में उपवास के दिन वरई का चावल खाया जाता है, जिसको बार्नियार्ड कहते हैं, सामा कहते हैं, कंगनी कहते हैं, कुटकी कहते हैं। तो ये सारे नाम है अलग अलग मिलेट्स की, जो कि पॉजिटिव मिलेट्स है। अब ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स मैंने बताए, उससे आपकी कई बीमारियां ठीक हो सकती है, आपके डिसीजेस जो है वो रिवर्सल हो सकते हैं। तो इसीलिए आज हमने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है कि यह एक मैजिकल मिलेट्स है। तो अगर आपका डे टू डे खाना जो है, जैसे गेहूं है, चावल है, आपको डायबिटीज है, वेट लॉस करना है, तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आपको नीचे लाना है, आपको अगर कार्बोहाइड्रेट्स बट अच्छे कार्ब्स खाने हैं, तो मिलेट से अच्छा पर्याय आपके पास हो ही नहीं सकता। दुनिया पूरी मिलेट की ओर चल पड़ी है। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 जो है यह मिलेट ईयर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया है। इंडिया का ये मिलेट ईयर चल रहा है। भारत देश, हमारे प्रधानमंत्री मिलेट को बहुत प्रचार कर रहे हैं, मिलेट के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है। तो मिलेट यह बहुत ही नावीन्यपूर्ण, बहुत ही हेल्थ से भरा पूरा एक धान्य है। इसको मराठी में भरड़ धान्य कहते हैं, हिंदी में आप इसको कहेंगे कि जैसे ज्वार बाजरा है, वैसे ही टाइप का एक अनाज है ये, सूडो ग्रेन, जैसे किनोवा भी है, एमेरेंथ राजगीरा भी है, ओट्स भी है, पर ये मिलेट्स जो है यह वाकई में आपके हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट भी है ये आपके लिए। तो मेरा सवाल मैडम आपसे ये है कि आपने तो अच्छाइयां तो सब बताई, अब मुझे ये समझना है या लोगों को ये समझना है कि गेहूं और चावल खाने में क्या तकलीफ है?
गेहूं अगर आप देखेंगे तो गेहूं ये ओरिजिनल भारतीय नहीं है, ये 1960 के बाद जो हरित क्रांति आई देश में, यू नो, उसके बाद, और इनफैक्ट ये ब्रिटिश की देन भी है ऐसे भी कह सकते हैं हम, तो फर्टिलाइजर्स, ये जितना भी यूरिया, ये सारी चीज जो है, ये सारी उस टाइम से प्रमोट हुई है। तो हम जो तब आप देखेंगे राजस्थान में या गुजरात में वगैरह आप देखेंगे या साउथ में, ये मिलेट्स ही होते थे। हमारा ज्वार बाजरा हमारा स्टेपल फूड है, मिलेट हमारा स्टेपल फूड है, पर हम वो भूल गए। आज कितने घरों में रोज ज्वार बाजरे की रोटी बनती है? नहीं बनती है, बहुत कम आपको गरीबों के घर में मिल जाएगी, पर आपको देखेंगे तो गेहूं या हर जगह हर घर में आपको गेहूं ही दिखेगा। तो यह सच्चाई है। तो गेहूं और चावल, चावल और गेहूं क्या होता है कि ये खून में ये जो एब्सॉर्ब होते हैं, ये जिस तरह से एब्सॉर्ब होते हैं, ये तुरंत शुगर में कन्वर्ट होते हैं और शुगर बढ़ जाता है, शुगर स्पाइक होता है। तो इसको अगर रिप्लेस मिलेट के साथ किया जाता है, अगर आप ज्वार की रोटी खाते हैं मतलब गेहूं की जगह, तो आपको उसका निश्चित रूप से फायदा है। आप अगर डायबिटिक है, आपको अगर वेट लॉस करना है, या मे बी आपको परमानेंट हेल्दी रहना है, तो आप अपनी गेहूं की रोटी को रिप्लेस करिए मिलेट की रोटी के साथ। आप इसको इवन गेहूं में भी अगर खाना है तो आप खपली गेहूं खाइए, क्योंकि खपली गेहूं ये हमारा नेचुरल गेहूं है, ये हमारा अपना गेहूं है, हमारी अपनी प्रजाति है, जो कि गोबर गोबर खत पे, जिसको हम कहते हैं नेचुरली ऑर्गेनिकली हम जिसे करते हैं। तो अगर आप एक नैसर्गिक जैविक अगर खपली खाते हैं गेहूं के बदले, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप अगर मिलेट से रिप्लेस करेंगे आपका गेहूं और चावल, तो आप देख लीजिए एक साल में, 6 महीने से 1 साल में आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगे, आपके डिजीजेस रिवर्सल हो जाएंगे, इतने जादू इफेक्ट मिलेट्स के हैं। बहुत बढ़िया। तो मैडम मिलेट का तो फायदा आपने बताया, और मेरे ख्याल से कुछ मिलेट तो रेडीली अवेलेबल हैं, और बाकी जो आपने नाम लिए वो अगर किसी को चाहिए तो कहाँ से मिल सकते हैं? सारे ही रेडीली अवेलेबल है, और जैसे आप सब जानते हैं कि अभी वी आर द इनफैक्ट इंडिया, हम पहली महिला इनफैक्ट एफपीओ है, आईसीएस है हमारा आईसीएस, हमने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे मेघालय में, महाराष्ट्र में, नियर पुणे बनाया, हमने कई ऐसे जो हमारे अनाज है, तो हम हमारे विमेन फार्मर्स के पास से उसे हम जिसे कहते हैं कि हम उन्हें एक सोशल एंटरप्राइज जिसे हमने बनाया है, तो वन ऑर्गेनिक हमारा एक ब्रांड है जो हमने मार्केट में लॉन्च किया है। तो वन ऑर्गेनिक के तहत आपको सारे मिलेट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट अभी की जनरेशन जो है जोमैटो स्विगी मैगी ये सारे चीजों के पीछे है, तो हम सारे परिवार वाले क्या चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, तो हमने मिलेट का पास्ता, मिलेट का नूडल, मिलेट का नमकीन, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजोन देख रहे हैं, तो मिलेट नमकीन जैसे मखाना खा रहे हैं हम, हेल्दी चीज है, रादर देन ईटिंग सम जो वेफर्स खाते हैं हम लोग, तेल का तला हुआ खाते हैं, उससे अच्छा हम हेल्दी ऑप्शंस खाएं। और ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि इसके जरिए एम्पावरिंग वुमेन ऑफ इंडिया, हम लोग सारे महिलाओं को हम इससे इंकरेज कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, फिर हर घर में जो माएं हैं, पत्नी हैं, बहनें हैं, वो अपने घरों में हेल्थ का प्रचार करे, क्योंकि वही सच में देखने को जाए तो अन्न देवता भी वही है, अन्नपूर्णा भी वही है, और हम सही मायने में अन्नपूर्णाएं हैं। बहुत बढ़िया मैडम, आपने एनवायरनमेंट में भी काफी काम किया है, तो थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जन्म से जैन हूं, तो जैन धर्म जो है ये मेरे लिए मेरी फिलॉसफी है कि मेरा धर्म ही मुझे मेरे धर्म ने मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बनाया है। हमारे जो तीर्थंकर है भगवान महावीर, उनका अगर आप संदेश देखेंगे या फिलॉसफी देखेंगे, लिव एंड लेट लिव, तो ये जो क्रुएल्टी फ्री लाइफ है, एनिमल्स वेलफेयर है, अहिंसा जो ये तत्व है, या अनेकांतवाद ये तत्व है, तो ये सारी फिलॉसफी ये मेरे जैन धर्म, ये धर्म नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल रादर। आप अगर देखेंगे आज के जमाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग से लेके ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारा भगवान महावीर ने अपने अपने वक्त बताया हुआ है, देशना में बताया हुआ है। तो मेरे अपने ये जो बाय बर्थ मेरा जन्म हुआ है, संस्कार जो है मेरे, तो इसी ने मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बनाया है। तो उसके तहत पानी, पानी जिसे हम घी की तरह हमने वापरना चाहिए, ऐसा जैसे बचपन से मैं सीखी हूँ अपने घर में, तो पानी के ऊपर यह मेरा हमेशा एक स्पेशलाइजेशन रहा है। मैं वाटर डिप्लोमेट, दुनिया में आज 27 वाटर डिप्लोमेट बने, उसमें से मैं भारत से पहली वाटर डिप्लोमेट हूँ। तो ये मुझे बहुत गर्व है कि मैं जन्म से ही एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, और लिव एंड लेट लिव यह मंत्रा है, और अहिंसा यह हमेशा एक फिलोसॉफी रही है, क्रुएल्टी फ्री लाइफस्टाइल।
तो मैडम एक सवाल है कि एक नॉर्मल आदमी, एक कॉमन मैन किस तरह से बिहेव करे जिससे एनवायरनमेंट में फायदा हो सकता है? हमारे रोजमर्रा के जीवन में अगर आप देखेंगे दुनिया भर का प्लास्टिक हम यूज करते हैं। हम छोटी छोटी आदत है, जैसे कपड़े की थैली लेके हम जा सकते हैं, बहुत बार शर्म करते हैं, याद नहीं आता, पर ये हमें आदतें डालनी पड़ेगी तभी प्लास्टिक रुकेगा। घर में हम लोग शावर से नहाते हैं, दो दो बाल्टियां, तीन तीन बाल्टियां, नल, आप घर में जब काम करते हैं नल अगर टाइम पे, मेड्स को भी ट्रेनिंग दिया जाए राइट टाइम पे, क्योंकि सबको एक डर रहता है, अरे मैं इसको ज्यादा कुछ बोलूंगी तो ये चली जाएगी, सुनेगी नहीं, पर या तो हम सेंसर्स लगा दे, इसके सेंसर्स होते हैं जिससे आप फ्लो वाटर जो है नल का वो कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं डे टू डे लाइफ में। हम जो खाना खा रहे हैं, हम जितना चाहिए, आज देखिए फूड सिक्योरिटी, दुनिया में खाना नहीं है, आफ्टर यूक्रेन वॉर देखिए दुनिया किस तरह चल रही है, और हम है कि दुनिया भर का खाना वेस्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसे अगर रोकना है नॉनवेज को बहुत हमें बंद करना होगा, कम खाना होगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ग्रीन हाउस एमिशंस, गैस एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अगर इस धरती को, इस पृथ्वी को बचाना है तो प्लांट बेस्ड डाइट की ओर हमें जाना पड़ेगा, तभी हम हमारे इस सुंदर सी धरती को, पृथ्वी माता को, इस हमारी धरती माँ को हम बचा सकेंगे। तो इसीलिए आई थिंक हमें हम मेरे ख्याल से हर कोई एक एनवायरमेंटलिस्ट बन सकता है अगर वो चाहे तो दिल से। तो मैडम आप एक महिला है और आपने बहुत काम किया है। हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन हाउसवाइफ का है जिनके पास घर के काम के सिवाय भी काफी टाइम होता है लेकिन वो कुछ करते नहीं है, तो उनको क्या आपकी सलाह है, क्या करना चाहिए उन्होंने? हम तो बहुत, जैसे हमने कहा कि हम तो वुमेन कोऑपरेटिव ही है, हम इंडिया की पहली वुमेन डिजिटल कोऑपरेटिव है, डिजिटल वुमेन वॉरियर का आज 1 लाख से भी ज्यादा हमारा मेंबर्स है, डिजी बाजार हमारे सारे सिटीज में चलता है, ऑर्गेनिक नेचुरल लाइफस्टाइल, मिलेट का हम पूरा प्रमोशंस, पूरा मूवमेंट चला रहे हैं, फूड रिवोल्यूशन इंडिया में चला रहे हैं। हमारा तो ये अपील है कि सारी बहनें जो है, क्योंकि हम अन्नपूर्णा है तो हेल्दी, हमने कोई भी मेरे ख्याल से बाहर की विदेशों की चीजों बेचने से अच्छा क्यों ना हम हमारे मिट्टी के साथ काम करें। सो हम एग्रोप्रिन्योर्स बनाने के लिए अब पूरे निकल पड़े हैं। हम चाहते हैं जो भी महिला घर से काम करना चाहती है, मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जैसे जवार के प्रोडक्ट्स है, देखिए जवार के नूडल्स, आज बच्चे जो है या यंग जनरेशन जो है, हर घर में एक टाइम रोटी बनती है, शाम को ये ऐसे वाले आइटम्स बनते हैं, जैसे ये मल्टी मिलेट है, आपको मैं बताना चाहूंगी जैसे ये मल्टी मिलेट का पास्ता है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, प्योर मिलेट से बने हुए हैं, ये मिलेट का नमकीन है। तो ये सारी चीजें, अभी जैसे ये किनोवा के नूडल्स है, तो ये ऐसी चीजें जो हमारी अपनी देसी है, मेड इन इंडिया है, जैसे इंडियन स्टार्टअप से बनी हुई है, तो इन सब चीजों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा हर घर में पहुंचाएंगे तो हेल्थ मिशन, मिलेट मिशन, या हम हर घर में ले जा सकेंगे, सबकी तबियत भी ठीक कर लेंगे, कोविड जैसे पैंडेमिक्स कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, तो खाना अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इस हेल्थ मिशन को करने के लिए मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि वो ऐसा काम करे जिसे उन्हें एक फक्र महसूस हो कि वो एक अन्नपूर्णा बन के इस देश को सर्व कर रही है, समाज को सर्व कर रही है, कम्युनिटी को सर्व कर रही है। जैपनीज एक जैपनीज वर्ड है इकीगाई, क्यों ना हमारे जीवन की इकीगाई ही हम बदले, क्यों ना हम एक ब्लू जोन क्रिएट करें कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, और इससे हम सबके जीवन में एक हरा भरा, एक गोल्डन टाइम्स हम ला सकेंगे और सबको हेल्दी बना सकेंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकेंगे। कि घर भी से आज हमारे, मुझे बहुत गर्व है कि इस हमारे महिला के फूड रिवोल्यूशन की मूवमेंट से हम कई घरों में आई थिंक वी आर एम्पावरिंग और हम लोग क्रिएटिंग लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम इंडिया में। एक मैडम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि वुमन एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार बैलेंस, अब जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे घर का काम भी करना है, जॉइंट फैमिलीज होती है, तो ये बैलेंस बहुत ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत बार घर के पुरुषों को लगता है कि अरे यार घर का क्या काम है, घर का काम ही नहीं होता है, पर सही मायने में देखने का जाए तो घर में भी बहुत काम होता है। तो महिला ये मल्टीटास्कर होती है एंड शी नीड्स टू बी रियली स्मार्ट, बट एट द सेम टाइम उसे बैलेंस भी करना है।
नहीं वो सीरियलों में, ये सास भी कभी बहू थी, बहुत सारी ऐसी ऐसी वायात सीरियलें भी आती है जिससे सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, एंटरटेनमेंट की जगह उन्हें भड़का, वो भड़कते हैं, प्रोवोकेकिंग सीरियल्स है, तो उसकी जगह क्यों ना कुछ एक अच्छा दिन के 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे क्यों ना कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। बहुत सारी किटियों में आप जाते हैं, क्यों ना आप बुक की किटी करो, क्यों ना आप कुछ ऐसे काम की किटी करो जिसमें आप एक दूसरे को लाइवलीहुड्स क्रिएट कर सको, एक दूसरे को बिजनेस में मदद कर सको। तो ये सब चीजों के लिए आप आगे आइए। ये फैशन, टीवी, सिनेमा, ये सब है, एंटरटेनमेंट की जगह ठीक है, बाहर जाना भी ठीक है, पर अब ये बहुत ज्यादा हो गया है और इसको भी थोड़ा सा हमें लाइफस्टाइल पे भी थोड़ा, ये नाम का जो एक एक स्टेटमेंट, एक जिसको कहेंगे फैशन एलिमेंट है लाइफस्टाइल, उसके ऊपर भी हमें मिनिमाइजेशन पे आना पड़ेगा। कोविड में आपने देखा ये 2 ड्रेस में आपने इतने सारे महीने निकाल दिए थे, है ना, तो फिर अब क्यों चाहिए। तो क्यों ना अपरिग्रह के माध्यम से, मिनिमाइजेशन के माध्यम से आप अपना घर, अपने बच्चे, आप अच्छे संस्कार दो, उन्हें हेल्दी बनाओ, आप लोगों को भी हेल्दी बनाओ और 4 पैसे भी कमाओ, तो इससे आपकी जिंदगी, आपका जो जन्म है वो सही मायने में सार्थक हो जाएगा। एक ही जन्म मिला है हमें, तो उस जन्म का क्यों ना एक अच्छे तरह से हम सार्थक करें, है ना। शर्मिला जी, आपने थोड़े समय में बहुत सारी बातें बताई। वैसे आपका काम तो बहुत ही ज्यादा और विस्तृत रहे, लेकिन जितना भी हम इस इंटरव्यू में कर पाए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और दर्शकों, आपसे शर्मिला ओसवाल जी से कभी कांटेक्ट करना है, सोशल मीडिया पे तो मैडम अवेलेबल है, हम उनका मोबाइल नंबर भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच शर्मिला जी। थैंक यू।